3, 2, 1. सेंट्रल जेल में सजायाफ्ता हार्डकोर बंदी से 2 मोबाइल फोन बरामद। एटीएस एसओजी के एडीजी के निर्देश पर जेल अधीक्षक प्रीति चौधरी ने दिया कार्रवाई को अंजाम। अजमेर सेंट्रल जेल में बड़ी संख्या में हार्डकोर अपराधी भी सजा काट रहे हैं। ऐसे में यहां ऑपरेशन फ्लैश आउट लगातार चलाया जाता है। इसी ऑपरेशन फ्लैश आउट के तहत मिले इनपुट के आधार पर एटीएस और एसओजी के एडीजी द्वारा जेल में सर्च के निर्देश मिले, जिस पर जेल अधीक्षक प्रीति चौधरी के नेतृत्व में जेल स्टाफ ने चूरू जेल से शिफ्ट किए गए हार्डकोर बंदी बंशीधर को मोबाइल सहित रंगे हाथों धर दबोचा और उससे मोबाइल बरामद कर लिया। वहीं एक और आउटपुट था जिसके बारे में बंदियों से पूछताछ की गई, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बताया। जेल स्टाफ के पास मौजूद स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की मदद से दूसरे मोबाइल को भी आखिर बरामद कर ही लिया गया। जेल अधीक्षक प्रीति चौधरी ने बताया कि चूरू जेल से शिफ्ट हुए बंशीधर और कृष्ण के सिंह दोनों ही हार्डकोर अपराधी हैं, जो कि संपत मेहरा गैंग के गुर्गे हैं, जिनके खिलाफ सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। वहीं अगर इस कृत्य में जेल स्टाफ की भी कोई मिलीभगत या भूमिका रही होगी तो उसकी भी जाँच की जा रही है। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। ऑपरेशन फ्लैश आउट के तहत तलाशियां तो हमारे यद्यपि रेगुलर ही हो रही है, परंतु पिछले 6-7 दिन से एक अंदर से इनपुट था कि कोई फोन अंदर किसी हार्डकोर बंदी उसके पास चल रहा है, क्योंकि हम ये चाहते थे कि 2-3 बार तलाशियां भी ली परंतु उसमें कोई हमको सफलता नहीं मिली। एटीएस एसओजी एडीजी साहब के निर्देशानुसार वो जो फ़ोन है हम लोगों ने कल बंदी से रंगे हाथों जब वो फ़ोन पे बात कर रहा था उसी समय उससे फ़ोन बरामद किया। हालांकि एक फ़ोन का आउटपुट और था, उससे पूछा बंदी से कि भाई आप बताइए फ़ोन आपके पास, एक तो उसने डिनाई किया, परंतु हमारे पास एक एनएलजीटी इंस्ट्रूमेंट है जिसके माध्यम से हमने वो फ़ोन बरामद किया। जो बंदी है वो एक हार्डकोर क्रिमिनल है, चूरू जेल से हमारे यहाँ स्थानांतरित हो गया है। उसका नाम है बंशीधर और उसके साथ में जो दूसरा बंदी है वो भी चूरू जेल से ट्रांसफ़र होकर हमारे पास आया, उसका नाम है कृष्ण सिंह। दोनों हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं और दोनों संपत मेहरा गैंग से संबंधित हैं और यहाँ पर जून से यहाँ पर हमारे पास है। 2 मोबाइल मिले हैं, एक फ़ोन एंड्रॉयड फ़ोन है और दूसरा जो फ़ोन है वो सिंपल कीपैड वाला फ़ोन है। और बेसिकली ये ATS और SOG ADG साहब के निर्देशन पर ही कर रहे थे, दोनों के पास दोनों मोबाइल में सिम है। हाँ, वो किसी अनजान किसी व्यक्ति से बात कर रहे थे, बाकी FSL से जो भी इसकी जांच होगी उसके आधार पर आगे इन्वेस्टिगेशन, हमने FIR दर्ज करवा दी सिविल लाइन थाने में दोनों मुलजिम के खिलाफ दोनों मोबाइल। हाँ, हमारी इंटरनल जाँच चल रही और जो भी इसमें जिसकी भी मिली भगत होगी किसी भी कर्मचारी की भी किसी भी बंदी की उसके खिलाफ मुख्यालय से हम लोग जांच प्रस्तावित करके उसके खिलाफ जांच साबित होगी मुख्यालय भेजेंगे, वहाँ से जो भी हमको दिशा निर्देश प्राप्त हों करने की जाए। जनरल इंश्योरेंस एम्प्लाइज एसोसिएशन नॉर्दर्न जोन के बैनर तले चारों सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों ने निजीकरण का किया विरोध। सरकार की निजीकरण नीति के विरुद्ध मानव श्रृंखला बनाकर नारेबाजी करते हुए किया प्रदर्शन। जनरल इंश्योरेंस एम्प्लाइज एसोसिएशन नॉर्दर्न जोन के बैनर तले सार्वजनिक क्षेत्र की चारों बीमा कंपनियों के संयुक्त मोर्चे के तत्वाधान में बुधवार शाम कार्यालय समय के उपरांत सार्वजनिक क्षेत्र की चारों बीमा कंपनियों के कर्मचारियों और अधिकारियों ने कचहरी रोड स्थित ओरिएंटल इंश्योरेंस के मंडलीय कार्यालय के बाहर मानव श्रृंखला बनाकर सरकार की निजीकरण की नीति का विरोध किया और अगस्त 2017 से लंबित वेतनमान के पुनर्निर्धारण को शीघ्र लागू किए जाने की मांग की।
इस अवसर पर संयुक्त मोर्चा के कर्मचारी नेता कॉमरेड राजेंद्र कुमार खारू, कार्यकारिणी सदस्य, कार्यकारी अध्यक्ष नाथूलाल जोनवाल, चेयरमैन इंद्र पिंजानी, संगठन सचिव वी एस राव, ललित कुमार एवं अधिकारी संगठन की ओर से हरि सिंह मीणा, एच एस शेखावत, अशोक सहगल, तरल कांत शाह ने संबोधित किया। सरकार की गलत आर्थिक नीतियां और निजीकरण की नीति के विरोध में मानव श्रृंखला बना करके विरोध प्रदर्शित कर रहे हैं, जिसमें हमारे चारों कंपनियों के एक जिम्मे लागू किया गया है उसका रद्द करना, उसके बाद सरकार द्वारा निजीकरण की कई कई कंपनियों का रेल सेल बेल सभी को बेच करके आपको सरकार निजीकरण किया जा रहा है, उस निजीकरण को हम रद्द करने की मांग कर रहे हैं। साथ ही हमारे वेजिंग लागू करना, प्राइवेटाइजेशन बंद करना और पेंशन अमेंडमेंट हम चाहते हैं वो तुरंत लागू करना, ये हमारी नीतियाँ हैं। गवर्नमेंट की चारों कंपनियाँ हमारी, उसमें हमने हमारा रेवेन्यू क्यू है वो भी काफ़ी टाइम से पेंडिंग चल रहा है, जो गवर्नमेंट इसको ध्यान नहीं दे रही है। और इसी के साथ साथ एक जिपना एक लागू किया गया है जो जोर जबरदस्ती से लागू किया गया है, जनरल इंश्योरेंस बिजनेस अमेंडमेंट नेशनलाइज एक्ट, इसमें सारी कंपनियों को बेच करके प्राइवेट करने का रास्ता निकाला गया है, जो हम चाहते हैं कि वो एक्ट वापस लिया जाए। उसके अलावा जो भी सरकार की निजीकरण की नीतियाँ हैं, जिसमें रेलवे है, बैंक है, रक्षा है, बीमा है, सेल है, कोल इंडिया है, इन सभी को बेचने की जो नीति बनाई गई है वो उसे वापस लिए जाए और कर्मचारी के हितों का ध्यान रखा जाए। 25 लाख रुपए लेकर अमानत में खयानत का मामला आया सामने, परिवादी ने अलवर गेट थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट। परिवादी से आरोपी ने हाई ग्रेड इंस्ट्रूमेंट और कैमरे खरीदने के एवज में लिए थे 25 लाख रुपये। 7 सितंबर को भैरव मंदिर के पास हनुमान नगर निवासी जगदीश धादीच ने अलवर गेट थाने में उपस्थित होकर एक मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें उसने जालोर निवासी मंगलाराम परमार पर 25 लाख रुपए उधार लेकर हड़प लेने के आरोप लगाए हैं। अलवर गेट थाना प्रभारी सुनीता गुर्जर ने दर्ज मुकदमे की जानकारी देते हुए बताया कि जगदीश धादीच से आरोपी मंगलाराम परमार ने जालोर में स्टूडियो में हाई ग्रेड इंस्ट्रूमेंट और कैमरा खरीदने के लिए 25 लाख रुपये उधार लिए थे। इसके बाद उसे पार्टनरशिप में मुनाफा होने का सब्ज भाग भी दिखाया। मंगलाराम ने 25 लाख की एवज में जगदीश दादीच को एक चेक भी दिया, जो बैंक में लगाने पर अनादृत हो गया। इसके बाद पैसों का तकाजा करने पर वह उसे चक्कर लगवाता रहा और झांसा देता रहा। आखिर 7 सितंबर को जगदीश ने आरोपी के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया। प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। दिनांक 7/9/21 को परिवादी जगदीश दादीच पुत्र श्री दामोदर दादीच निवासी भैरू मंदिर के पास हनुमान नगर अजमेर ने एक उपस्थित थाना को रिपोर्ट दी कि वो बिजनेस के प्रक्रम में एक व्यक्ति है मंगलाराम परमार उर्फ मंगल परमार, सुखदेव नगर जालोर का निवासी है, उसके साथ उसका कोई स्टूडियो चलता है और साथ में वो मसालों का भी व्यापार करता है। तो स्टूडियो में अच्छे मतलब वो उसको कैमरे या अच्छी हाई क्वालिटी के इंस्ट्रूमेंट लाने के लिए 25 लाख रुपए से उधार लिए थे और ये कहा था कि ये जब काम चल जाएगा तो अपन मिलके काम करेंगे, सीधे सीधे आपकी उधारी चुका दी जाएगी। वो जो इसने पेमेंट दिया था उस पेमेंट के बदले जो परिवादी है प्रार्थी है उसको मंगलाराम ने 25 लाख का चेक जो दिया था, जब उस चेक को बैंक में लगाया तो वो अनादृत हो गया और फिर उसको वो चक्कर कटवाता रहा कि आपकी राशि लौटा दी जाएगी, राशि लौटा दी जाएगी, जहाँ से देता रहा ये विश्वास में आता रहा। तो उसके बाद में इसने परेशान होकर के उपस्थित थाने होकर के और ये प्रकरण दर्ज कराया है, जिसका अनुसंधान किया जा रहा है और जो भी कार्रवाई होगी अवगत कराया जाए। रामगंज स्थित 100 साल पुराने कार्यसिद्ध बालाजी मंदिर जीर्णोद्धार के लिए हुआ नींव पूजन। मंदिर के महंत श्री शशिगिरी महाराज के सानिध्य में शहर के गणमान्य नागरिकों ने किया जीर्णोद्धार कार्य का शिलान्यास। अजमेर के रामगंज में स्थित 100 साल पुराने प्राचीन कार्यसिद्ध बालाजी मंदिर का गुरुवार को जीर्णोद्धार एवं नींव पूजन कार्यक्रम दोपहर 12 बजे विधि विधान से संपन्न कराया गया।
मंदिर के महंत श्री शशिगिरी महाराज ने बताया कि मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए काफी लंबे समय से प्रतीक्षा की जा रही थी। इस मंदिर के प्रति कई वर्षों से लाखों लोगों की आस्था बनी हुई है। हर वर्ष इस मंदिर पर भादवा माह की पूर्णिमा को विशाल व भव्य मेला भरता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु शिरकत करते हैं। मंदिर पर मेले का कार्यक्रम लगातार 3 दिन तक आयोजित किया जाता है। इस दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगती है। इस बार भी भादवा माह की पूर्णिमा को मेला आयोजित होना है। मेले के बाद ही इस मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य शुरू किया जा सकेगा, लेकिन इससे पूर्व आज भूमि पूजन का कार्यक्रम रखा गया है। नगर निगम महापौर नीरज जैन, पूर्व नगर परिषद सभापति सुरेंद्र सिंह शेखावत व शहर के अन्य गणमान्य अतिथियों की मौजूदगी में आज दोपहर 12 बजे पूरे विधि विधान और पूजा अर्चना के साथ बालाजी मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए नींव पूजन किया गया। सभी ने भव्य मंदिर बने इसकी परिकल्पना को साकार करने के लिए तन मन धन से सहयोग करने का आह्वान किया है। इसमें रामगंज व्यापारिक एसोसिएशन के साथ ही बालाजी भक्तों का भी भरपूर सहयोग मिलेगा और जल्द ही एक भव्य मंदिर रामगंज में देखने को मिलेगा। जब अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बने तो राम के गंज में हनुमान जी का मंदिर ना बने, ये कैसे संभव है? इस रामगंज के व्यापारियों ने, यहाँ के निवासियों ने तय किया कि 100 वर्ष पुराने हनुमान जी के इस मंदिर का जीर्णोद्धार हो, इसका पूरा पुनर्निर्माण हो, इस प्रकार का संकल्प इन्होंने लिया। भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बन रहा है तो हनुमान का मंदिर राम के गंज में, इस रामगंज में बन रहा है, निश्चित रूप से मैं ये सभी बधाई के पात्र हैं। मैं आभारी हूँ कि इस भगवान बालाजी के इस मंदिर में, भगवान राम के मंदिर, राम के जो भक्त हैं, हनुमान जी के मंदिर के शिलान्यास में, आज ये पुनर्निर्माण में मेरी भी आहुति लगी, मुझे बुलाया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और हनुमान जी का काम है, हनुमान जी का काम तो कभी रुकता नहीं है, कि राम जी चले ना हनुमान के बिना तो जो हनुमान जी का काम कैसे रुकेगा। मुझे लगता है कि एक भव्य मंदिर यहाँ पे बनेगा, प्राचीन मंदिर है, कार्य सिद्ध बालाजी इनका नाम है, हर एक का काम ये सिद्ध करते हैं, तो इनका काम तो कोई रोकने वाला नहीं है। ऐसे क्या करके अपनी बात को समाप्त करूँगा। मैं सभी रामगंज के व्यापारिक एसोसिएशन को, यहाँ के निवासियों को, यहाँ के भक्तजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ कि जल्द से जल्द इस मंदिर के शिलान्यास में आ जाया हूँ, तो इस मंदिर के जिस दिन लोकार्पण हो उस दिन मैं यहाँ मौजूद रहूँ, ऐसी मेरी इच्छा है। 100 साल पुराना मंदिर का आज जीर्णोद्धार हो रहा है। सबसे खुशी की बात यह है कि ये रामगंज में अजमेर में स्थित है और चमत्कारी मंदिर के नाम से ये जाना जाता है। और यहाँ के महंत जी जिस जोश और खरोश के साथ, आपने देखा कि शिलान्यास करते वक्त उनमें जो जोश था, ऐसा लग रहा था कि वाकई में हनुमान जी ने इनको शक्ति दे दी हो, और हनुमान जी की शक्ति के साथ में इन्होंने उस शिला को अंदर रखा और हम सबसे हाथ लगवा कर पूजन किया। निश्चित तौर पर ये मंदिर एक भव्य मंदिर अजमेर शहर में बनेगा, क्योंकि ये बालाजी का मंदिर है और बालाजी में जो शक्ति है वो शक्ति लोगों में, वो धन देने की शक्ति भी बालाजी प्रदान करेंगे, और उसी जिस प्रकार से धन आएगा उस प्रकार से ये भव्य मंदिर भी बनेगा। मैं समझता हूँ कि अजमेर में जिस प्रकार का बालाजी का मंदिर होना चाहिए और जो सोच आप सब पत्रकारों की है, अजमेर की जनता की है, निश्चित तौर पर उसी प्रकार का भव्य मंदिर बनेगा, यही मैं कहना चाहूँगा। मेरी आशा है कि ये भव्य मंदिर बने और सब लोग यहाँ पर दर्शन करें, अति शीघ्र ये मंदिर बने। धन्यवाद। जय बालाजी महाराज। महंत शशिगिरी महाराज ने कहा कि यहाँ विराजमान बालाजी महाराज श्रद्धालुओं के कार्य सिद्ध करते हैं, यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है, इसलिए यहाँ लाखों श्रद्धालु अपनी मनोकामना लेकर आते हैं और बालाजी महाराज उनकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। बकाली सर बालाजी महाराज का मंदिर है, 100 साल पुराना मंदिर है, ये जीवोदन उद्धार नहीं हुआ था अभी तक, तो आज की तारीख में हमारे सब भगत जन ये जुड़े हुए, पारसगण तो व्यापारी मंडल भैया सब आए हुए, महाराज के नाम है अपने मुखिया नीरज जैन साहब, उपमहापौर जैन साहब भैया सब आए, सुरेंद्र सिंह जी राठौड़े आए, सबके द्वारा आज उसका भूमि पूजन हुआ है मंदिर। अभी देखो बालाजी जाने अभी शुरुआत तो हो गई है, अभी करने वाले बालाजी है बस यहाँ पे, और इसका पूरा नक्शा तैयार हुआ है। धीरे धीरे इसको 3 मंजिला ऊपर एक हॉल बनाने का हमारा कार्यक्रम है, जिसमें छोटे मोटे मंदिर के कार्यक्रम है, और उसके ऊपर 3री मंजिल पे कमरे आदि का निर्माण होगा, जिसमें कि कोई भी अतिथिगण वगैरह आए तो उनको रहने का एक स्थान मिल जाए, और नीचे का जो मंदिर की जो मूर्तियाँ हैं उनको व्यवस्थित तरीके से ये इसी स्वरूप के अंदर वापस से स्थापित किया जाएगा,
और जिस हिसाब से सहयोग आता रहेगा, मंदिर का निर्माण धीरे धीरे शुरू होता रहेगा। एक भव्य मंदिर का निर्माण करने का हमारा संकल्प है, जरूर इसका पूरा होगा। आज यहाँ पर शिलान्यास किया गया मंदिर का, जिसमें कि नगर निगम के महापौर, उप महापौर हमारे नीरज भाई, सुरेंद्र सिंह जी शेखावत, लाला बना, आसपास के सभी पार्षदगण और हमारे दूसरे व्यापारिक परिषद के जितने भी रामगंज व्यापारिक संघ के पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर उपस्थित रहे। आप देख रहे हैं भारी संख्या में यहाँ पे रामगंज के सभी नागरिक उपस्थित हैं और इस निर्माण का कार्य आज से प्रारंभ हुआ है और धीरे धीरे प्रगति पे होगा, जो आप लोगों को इसकी सूचना। घुमंतु हाथी की सूचना पर वन विभाग ने हाथी और साधुओं को लिया कस्टडी में। मुख्य वन जीव प्रतिपालक जयपुर का परमिशन लेटर मिलने पर सभी को छोड़ा। अजमेर के खानपुरा इलाके में हाथी के साथ भ्रमण करते हुए भिक्षावृत्ति कर रहे साधुओं को गुरुवार सुबह वन विभाग की सोमलपुर चौकी के रेंज ऑफिसर राजेंद्र प्रसाद खींची ने कार्रवाई के लिए अपनी कस्टडी में ले लिया। जांच पड़ताल के बाद उनके पास 5 जिलों में हाथी को लेकर भ्रमण करने का प्रबंधक मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक राजस्थान जयपुर द्वारा दिया गया अनुज्ञा पत्र मिला, तो हाथी और साधुओं को बिना कोई कार्रवाई के छोड़ दिया गया। गौरतलब है कि पूर्व में चंद्रबदाई नगर इलाके में एक समुदाय विशेष के फकीरों द्वारा भिक्षावृत्ति करने पर उनके साथ कथित रूप से की गई मारपीट वाले मामले में धार्मिक भावनाओं को भड़काने का मामला रामगंज थाने में दर्ज हो चुका है। यहां भी किसी ने वन विभाग को हाथी के साथ भिक्षावृत्ति करने का आरोप लगाकर कार्रवाई के लिए सूचना दी थी, लेकिन हाथी के साथ भ्रमण कर रहे साधुओं के पास वन विभाग का अनुमति पत्र मिलने के बाद वन विभाग की चौकी को साधुओं और हाथियों को छोड़ना पड़ा। गौरतलब है कि मेड़ता नागौर के रहने वाले 8 साधुओं का दल जयपुर से हाथी को किराए पर लेकर 3 महीने के लिए नगर नगर भ्रमण के लिए निकला है। इस दौरान यह भिक्षावृत्ति करते हुए अपनी आजीविका चलाएंगे। ऐसी कोई कार्रवाई की कोई बात नहीं है, ये जनरली एक चेकिंग है। ये कुछ लोग है ना जो वाइल्ड लाइफ हाथी को लेकर के बाजार में घूम रहे थे, जानकारी मिलने पर, सूचना मिलने पर अधिकारियों के आदेश पर इनसे मांगा गया कागज़, तो इन्होंने अपना एक भ्रमण वाला कागज़ जो अपने विभाग को सूचना दे के आते हैं लोग, वो है इनके पास। ये रहने वाले तो कहीं नागौर के बताते हैं, लेकिन मूलतः ये हाथी जयपुर का है और वहाँ से ये लेके आए हैं। अब ये 3 महीने के लिए भ्रमण के लिए निकले हैं, ऐसी सूचना जयपुर मुख्यालय को दे करके निकले हैं। नहीं, हाथी का ऐसा कुछ नहीं है, हाथी तो बिल्कुल जायज है, इसका रजिस्ट्रेशन हो रखा है विभाग में, रजिस्ट्रेशन भी है, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, रजिस्टर्ड है हाथी। नहीं, इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, क्योंकि इसको उचित प्रकार से सूचना दे करके और ये निकले हैं विभाग से और हाथी विभाग में रजिस्टर्ड है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जिला कलेक्ट्रेट के बाहर हल्ला बोल धरना प्रदर्शन। छात्र हित की विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को कलेक्टर के माध्यम से दिया ज्ञापन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से संबंधित छात्रों ने छात्र हितों के कई मुद्दों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर हल्ला बोल धरना प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। इसके बाद छात्रों के एक प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर को प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन सौंपकर राजस्थान में शिक्षा व्यवस्था की स्थिति को सुधारकर आमूलचूल परिवर्तन करने की मांग की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री महिपाल सिंह देवड़ा ने बताया कि अजमेर संभाग का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में जल्द से जल्द स्थायी कुलपति की नियुक्ति की जाए, राजस्थान में 50,000 नई भर्ती की जाए, सभी राजकीय व निजी महाविद्यालयों में 50% सीटों की वृद्धि की जाए, RPSC की वर्तमान भर्ती में सीटों की वृद्धि करने व रिक्त पड़े सभी शिक्षकों के पदों को भरने की मांग की गई। वहीं मुख्यमंत्री युवा संबल योजना को UG PG PhD विद्यार्थी वर्गों में विभाजित कर 5,000 से 15,000 की राशि प्रतिमाह तब तक दी जाए जब तक कि विद्यार्थी को रोजगार न मिल जाए, सभी प्रकार की छात्रवृत्ति समय पर दी जाए, इसी वर्ष छात्र संघ चुनाव करवाए जाए, कोरोना काल के दौरान सुविधाओं के नाम पर ली गई 50% फीस वापस विद्यार्थियों को लौटाई जाए सहित विभिन्न विषयों पर राजस्थान सरकार द्वारा कार्रवाई नहीं की जाती है तो विद्यार्थी परिषद विधानसभा का घेराव कर उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की होगी। छात्रों ने काफी देर तक कलेक्ट्रेट के बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। बिस्तर
किसी से भीख मांगते। और अपने प्रदेश की तक जो मांगे उसका ज्ञापन धरना प्रदर्शन करके ज्ञापन दे रही है कि राजस्थान सरकार हमारी इन मांगों को पूरी करो। उसमें एक MBS विश्वविद्यालय में स्थायी कुलपति की मांग है और 50 नए कृषि महाविद्यालय खोले जाए और जो विकास के नाम पे और सुविधाओं के नाम पे जो फीस दी गई है उसको 50% रिफंड की जाए और राजस्थान में स्पोर्ट विश्वविद्यालय एक और अतिरिक्त खोला जाए और राजस्थान सरकार द्वारा स्कॉलरशिप समय पर नहीं दी जा रही है वो स्कॉलरशिप समय पर दी जाए ऐसे करके 11 मांगे है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आज अजमेर जिला कलेक्ट्रेट पे प्रदर्शन धरना करके ज्ञापन दिया है और अगर राजस्थान सरकार जल्दी इन विषयों पर कार्रवाई नहीं करती है तो विद्यार्थी परिषद विधानसभा घेराव करेगी। अगली तैयारी विधानसभा घेराव की है, ये प्रथम सीढ़ी है। आज ये संकेत देता हूँ यहाँ से अजमेर कलेक्ट्रेट से कहता हूँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अगर मांगे नहीं मानी गई है तो 2022 के सप्तम हम जयपुर विधानसभा का घेराव करेंगे और 1,00,000 संख्या में पूरे राजस्थान में छात्र विद्यार्थी इकट्ठे होंगे और वहाँ घेराव करेंगे। मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ राजस्थान सरकार को आप RPSC में जो RS प्रक्रिया में जो घोटाला हुआ है उसमें अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जल्दी से जल्दी उस पर कार्रवाई करें और आम नागरिकों के बीच में राजस्थान सरकार ये संकल्प बनाए कि बिना राजनीतिक संपर्क के भी आपके बच्चे भी RS बन सकते हैं और प्रशासनिक सेवाओं में आ सकते हैं। धन्यवाद। भारतीय मजदूर संघ ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। बेताशा मूल्य वृद्धि एवं महंगाई के विरुद्ध दिए ज्ञापन में प्रदेशवासियों को राहत देने की मांग। भारतीय मजदूर संघ प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर गुरुवार को पूरे प्रदेश भर में समस्त जिला मुख्यालयों पर BMS द्वारा धरना प्रदर्शन का आयोजन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपे गए। अजमेर में जिला कलेक्ट्रेट पर भारतीय मजदूर संघ से संबंधित कर्मियों ने नारेबाजी करते हुए विरोध जताया और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। BMS के संभाग प्रभारी भोलानाथ आचार्य ने बताया कि कोरोना महामारी की विषम परिस्थितियों में एक ओर तो पूरा समाज शारीरिक एवं मानसिक रूप से अत्यधिक परेशान रहा, वहीं दूसरी ओर सरकार द्वारा जनता के हितों की अनदेखी के कारण औद्योगिक गतिविधियों में गिरावट, अर्थतंत्र में अत्यधिक शिथिलता के कारण बढ़ी हुई बेरोजगारी, वेतन में महंगाई भत्ते में कटौती, दूसरी ओर दैनिक जीवन में उपयोग में ली जाने वाली वस्तुओं की कीमतों में भारी वृद्धि के कारण आम जनता के साथ साथ श्रमिक एवं कर्मचारी वर्ग भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इस दौरान महंगाई की दर भी बढ़कर 6% की सीमा को पार कर चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मूल्यों में बढ़ोतरी के नाम पर देश में खाद्य तेलों एवं पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि की गई। समय रहते ही सरकार को इस आयातित महंगाई पर नियंत्रण करना चाहिए था, किंतु सरकार की इस लापरवाही के कारण कंपनियों ने उपभोक्ताओं को लूटने के लिए कालाबाजारी कर मौके का अनुचित फायदा उठाकर जनता का शोषण किया है। पेट्रोलियम पदार्थों की मूल्य वृद्धि के कारण आवश्यक वस्तुओं के साथ साथ भवन निर्माण सामग्री की कीमतें भी तेजी से बढ़ी हैं, जिसके कारण से भवन निर्माण की लागत में बढ़ोतरी होने के साथ साथ भवन निर्माण का काम करने वाले श्रमिक भी अत्यधिक मात्रा में बेरोजगार हो गए और पलायन को बाध्य हुए। कंपनियों द्वारा आपसी साठगांठ कर कृत्रिम रूप से मूल्य वृद्धि कर अनुचित रूप से लाभ कमाने का प्रयास किया जा रहा है, जिस पर प्रभावी रोक लगाई जानी आवश्यक है। उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि को अविलंब रोकने की और कम करने की भारतीय मजदूर संघ सरकार से मांग करता है। नेतृत्व के आह्वान पे आज हिंदुस्तान के प्रत्येक जिले में बढ़ती हुई महंगाई को लेके भारतीय मजदूर संघ ने एक आंदोलन किया है और उसमें भारतीय मजदूर संघ ये मांग करता है कि आत्मनिर्भर भारत अवश्य बनना चाहिए, सब्सिडी हटा के आत्मनिर्भर भारत बनाने जा रहे हैं, लेकिन भारतीय मजदूर संघ इससे तो सहमत है, लेकिन भारतीय मजदूर संघ को ये कतई मंजूर नहीं है कि आम मजदूर, आम कर्मचारी, दिहाड़ी पे काम करने वाले व्यक्ति, इनकी न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई जाए और साथ ही में एक देश एक कीमत को मद्देनजर रखते हुए पेट्रोल डीजल को GST में लागू करे और साथ ही में जो अभी हाल ही में केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने 6% DA बढ़ाया है लेकिन मूल्य सूचकांक इससे बहुत अधिक है,
आपको हमारी ये मांग है कि बढ़ती हुई महंगाई को मद्देनजर रखते हुए जो है महंगाई की दरें भी राज्य कर्मचारियों को उसी तरह से बढ़ाई जाए और असंगठित क्षेत्र में और जो केंद्र और राज्य सरकार ने न्यूनतम मजदूरी निर्धारित कर रखी है वर्तमान महंगाई को मद्देनजर रखते हुए इस न्यूनतम मजदूरी को भी बढ़ाया जाए। यदि केंद्र सरकार और राज्य सरकार अब भी नहीं चेतती है तो आने वाले दिनों में भारतीय मजदूर संघ का बहुत विशाल प्रदर्शन होकर केंद्र और राज्य सरकार को इसका विरोध का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। रिश्तेदार द्वारा 17 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मुकदमा आदर्श नगर थाने में दर्ज। पंचवटी कॉलोनी आदर्श नगर निवासी अंकित जोशी से उसके भाई के साले ने लिए थे 17 लाख रुपए। पंचवटी कॉलोनी आदर्श नगर में रहने वाले अंकित जोशी ने आदर्श नगर थाने पर उपस्थित होकर अपने भाई के साले पाली निवासी तरुण गौड़ के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है। थाने के ASI मंगाराम ने दर्ज मुकदमे की जानकारी देते हुए बताया कि अंकित जोशी के भाई के साले पाली निवासी तरुण गौड़ ने वर्ष 2018 से 2020 के बीच अंकित को झांसे में लेकर धोखाधड़ी करते हुए लगभग 17 लाख रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करा लिए। अब जब अंकित जोशी उससे पैसों की मांग कर रहा है तो तरुण गौड़ उसे धमकियां दे रहा है। इस पर IPC की धारा 406, 420 और 323 के तहत प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। कल अंकित जोशी हैं अपने पंचवटी कॉलोनी आदर्श नगर के, उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी थाने पर उपस्थित होके। उसके भाई का साला है पाली का तरुण गौड़, उसने धोखाधड़ी से इसको झांसे में लेके करीब 17 लाख रुपए खुद के खाते में ट्रांसफ़र करवा लिए और 2018 से लेके 20 के बीच में। अब ये वापस मांग रहा है तो उसको धमकियाँ दे रहा है। इसको लेके कल FIR दर्ज हुई है, जाँच जारी है। धमकियाँ नहीं लौटाऊँगा और इस पर बाकी अनुसंधान उससे करना शेष है, अनुसंधान जारी। धारा 406, 420, 323। सिंधु भवन में आयोजित चंद्र दर्शन धार्मिक कार्यक्रम में विद्यार्थियों का हुआ सम्मान। पंजड़े में भजनों की प्रस्तुति पर झूमते नाचते की झूलेलाल की आराधना। पूजा व सेवाकारी ही हमारी पहचान है, इस कोरोना महामारी से सभी मुक्त होकर स्वस्थ रहें एवं संतों के बताए मार्ग व अमृत वचनों को याद करें, ऐसे विचार पूज्य सिंधी पंचायत की ओर से सिंधु भवन पंचशील में आयोजित चंद्र दर्शन महोत्सव पर अध्यक्ष राधाकृष्ण आहूजा ने कहे। कलाकार घनश्याम भगत, लता ठारवानी ने पंजड़े व भजनों की प्रस्तुति दी। उत्सव में सामूहिक आरती व पल्लव प्रार्थना के साथ प्रसाद का वितरण किया गया। सचिव मनोज कुमार मेघानी ने बताया कि शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में सिंधी भाषा व संस्कृति के लिए समर्पित शिक्षकों का सम्मान किया गया। शिक्षकों को शॉल, श्रीफल व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। व्याख्याता घनश्याम ठारवाणी, भगत श्रीमती लता ठारवाणी व जय किशन गुरबाणी का सम्मान किया गया। आज हमारे पूर्व सिंधी पंचायत सिंधु भवन के अंदर चांद उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस चांद उत्सव के अंदर हमारे सिंधी कलाकार घनश्याम भगत द्वारा झूलन के पंजरे गा करके झूलन के बहुत अच्छे प्रस्तुति दे करके नाच गा करके समाज के लोगों ने चांद उत्सव का प्रोग्राम किया गया। इसके अंदर हमारे भामाशाह जो सदगुरु MD के जो राजा थावानी साहब हैं, इनका भी हमने स्वागत किया गया, क्योंकि सिंधु भवन के सदस्य ने इनको एक निवेदन किया था कि यहाँ से शमशान घाट बहुत दूर पड़ता है तो इसके लिए गाड़ी की व्यवस्था कराई जाए, तो हमारे एक निवेदन पे उन्होंने गाड़ी की व्यवस्था ही कराई, तो इसके लिए हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। और आगे भी हमसे ये उम्मीद करते हैं कोई भी कोई ऐसी बात होती है तो उसके लिए वो तैयार रहेंगे। और आज हमने पूर्व सिंधी पंचायत के अंदर 10वीं व 12वीं क्लास के जो बच्चे मार्क्स अच्छे लेके आए थे, जैसे 85% 90% 92%, उन 10 बच्चों को भी हमने यहाँ पे सम्मान किया गया बच्चों का, तो ये आज सारा प्रोग्राम बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इसी अवसर पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं में 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया गया। पंचायत के आग्रह पर समाज के लिए डी फ्रिज और शव वाहन तैयार कर समर्पित करने वाले सतगुरु ग्रुप के MD राजा ठारवानी का भी सेवा कार्यों के लिए सम्मान व सत्कार किया गया। कार्यक्रम का संचालन उपाध्यक्ष महेंद्र कुमार तीर्थानी ने किया।
इस मौके पर महिला मंडल की बहनों के साथ उपाध्यक्ष मोहन चेलानी, गोपीचंद पारवानी, अजीत मूलानी, मुकेश आहूजा, शोभराज विधानी, नानक खान चंदानी, कमल मोतियानी, टेकचंद गोदवानी, भगवान दास शाहनी, विजय आलम चंदानी, राजकुमार आहूजा, घनश्याम धनवानी, किशन थदानी, किशन मनसुखानी, लखन मनसुखानी, मूलचंद नाथानी सहित सेवादार उपस्थित रहे। पूज्य सिंधी पंचायत पंचशील की ओर से सिंधु भवन पर चांद उत्सव के इस अवसर पर भगवान झूलेलाल जी का बहराने का कार्यक्रम हुआ, जिसमें भगत घनश्याम जी ने और लता बहन ने यहां पर झूलेलाल के पंजड़े गा करके और उत्साहपूर्वक हमारा चांद उत्सव का आयोजन कराने का काम किया। इसके साथ साथ इस वर्ष जो बच्चे अच्छे नंबरों से पास होने का काम हुआ है, उन पंचशीलवासी उन बच्चों को भी यहाँ सम्मानित करने का काम किया और आखिर में अरदास के साथ भगवान झूलेलाल से प्रार्थना की गई कि सभी विश्व में शांति रहे, सभी सुखी रहे, स्वस्थ रहे और राजस्थान में बारिश हो ताकि पानी की समस्या का भी निदान होने का काम हो। और भगवान झूलेलाल को इस अरदास के साथ पल्लव के साथ आज के कार्यक्रम का समापन हुआ। आज इस अवसर पर हमारे पंचशील क्षेत्र में हमारे सतगुरु ग्रुप के श्री राजा ठारानी जी की तरफ से और उनके ग्रुप की तरफ से यहाँ पंचशील क्षेत्र में जो शव वाहन की एक कमी थी और एक शव को रखने के लिए जो डीप फ्रीजर की ज़रूरत थी, उसकी उन्होंने यह सेवा जब शुरू करने का काम किया है। इस अवसर पर पूज्य सिंधी पंचायत पंचशील की ओर से श्री राजा ठारवानी जी का सतगुरु ग्रुप का भी सम्मान करने का काम किया गया। आज करीब 15 बच्चों को यहाँ सम्मानित करने का काम किया, जिन्होंने सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी में 80% से ज़्यादा अंक प्राप्त करने का काम किया। सिविल डिफेंस टीम पुष्कर आमजन के साथ वन्य जीवों के जीवन की भी कर रही है रक्षा। सिविल डिफेंस टीम पुष्कर ने 6 फीट के स्पेक्टिकल कोबरा सांप का किया रेस्क्यू। सिविल डिफेंस टीम पुष्कर आम नागरिकों के साथ वन्य जीवों का भी जीवन बचाने के लिए दिन रात जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में पुष्कर उपखंड के ग्राम देवनगर से सिविल डिफेंस टीम पुष्कर को भुवनेश्वर पाठक के द्वारा देर रात्रि फोन पर सूचना मिली कि टीकम चंद मेघवंशी के घर से 6 से 7 फीट का एक कोबरा सांप घुस आया है और सभी घर वाले बड़े कोबरा को देखकर ज़्यादा भयभीत हो रहे हैं। रात्रि में सांप निकलने की सूचना पर सिविल डिफेंस टीम के स्नैक रेस्क्यूअर किशन गोपाल जाट, अमरचंद सांकला और सुनील उपाध्याय तत्काल मौके पर पहुंचे, जहां सांप कमरे में रखी धान की कोठी के पीछे छिपा हुआ मिला, जिसको 15 मिनट की मशक्कत के बाद सुरक्षित पकड़ लिया गया। सांप के पकड़े जाने पर सभी घर वाले भयमुक्त हुए। सभी ने रात्रि में सांप को रेस्क्यू करने व भयमुक्त करने वाली सिविल डिफेंस टीम के कार्य की सराहना करते हुए उनका आभार जताया। सांप को सुरक्षित उसके आवास कपिलकुंड के पास जंगल में छोड़ दिया गया। हमारे घर पे सांप आ गया था, बड़ा कोबरा, तो सिविल डिफेंस टीम ने आके हमारी मतलब सहायता की है और पकड़ के ले जा रहे हैं सांप को। मैं टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारी सहायता की इसलिए, और मैंने इनको अवगत कराया कि हमारे घर पे सांप आ गया और फिर इन्होंने आके सांप को पकड़ा करा। यह हमारे घर पे आके किया देवनगर। अभी जो हमारे मित्र हैं गुन्नू जी पाठक, उनको फ़ोन पे सूचना मिली थी कि देवनगर ग्राम देवनगर के अंदर इनके घर पे करीब 7-8 फीट का कोबरा है, तो हम यहाँ देवनगर पहुँचे और करीब 10 से 15 मिनट के रेस्क्यू से इसको पकड़ के लेके जा रहे हैं। राजसमंद के आमेट में दिन दहाड़े आंखों में मिर्ची डालकर मोबाइल लूट मामले का खुलासा। आमेट पुलिस ने फरार बाल अपचारी को डिटेन कर मोबाइल खरीदने वाले को भी किया गिरफ्तार। राजसमंद के आमेट पुलिस ने दिन दहाड़े मोबाइल की दुकान पर व्यापारी की आंखों में मिर्ची डालकर मोबाइल लूट मामले में फरार बाल अपचारी को डिटेन कर खरीददार को भी गिरफ्तार कर लिया है। आमेट थाने के एएसआई मदनलाल ने बताया कि 2 सितंबर को शाम 6 बजे आईसीआईसीआई बैंक के पास बालाजी कम्युनिकेशन शॉप के मालिक गोटू सिंह की आंखों में मिर्ची डालकर 18,000 रुपये का मोबाइल लेकर आरोपी फरार हो गया था।
जिस पर सीओ कुंभलगढ़ व थाना अधिकारी के निर्देशन में टीम गठित कर आज एक पाल अपचारी को डिटेन किया गया। वहीं मोबाइल खरीदने वाले महेंद्र सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों को न्यायालय में पेश कर पीसी रिमांड पर लेकर मोबाइल बरामद किया जाएगा। बता दें कि घटना थाना परिसर से महज 100 मीटर की दूरी पर ही घटित हुई थी। संवाददाता ब्यूरो चीफ डब्ल्यू गोस्वामी, राजसमंद। दिनांक 2 सितंबर की बात है, शाम को 6-7 बजे की बात है कि आमेटर ICICI बैंक के पास बालाजी कम्युनिकेशन के पास में एक नाम की दुकान भी मोबाइल दुकान की शॉप है, जिसमें शाम को 6-7 बजे अज्ञात बदमाश द्वारा व्यापारी के आंखों में मिर्ची डाल करके उसका 17-18 हज़ार का मोबाइल चुरा कर ले गया। इस संबंध में हमने मीटिंग पूरी टीम गठित की है, जो श्रीमान सीओ साहब SHO साहब टीम गठित करके इसका सर्च करके हमने एक बाल अपचारी और एक खरीदार को उसको गिरफ्तार किया है, जिन गिरफ्तार करके आज न्यायालय में पेश किया जा रहा है और मोबाइल भी बरामद किया जा रहा है। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonin.com, सच के साथ। We'll be right back.